नमस्कार, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज 18। आइए बात करते हैं इस वक्त की खास खबर से। आपका नाम क्या? मैं राम भगत, ग्राम रोही का रहने वाला हूं। 1999 से मैं विभाग में काम कर रहा हूं। जी। 2007 में इस बेटा गोकुल पियानी मार्ग पे रोपड़ हुआ, मैंने यहाँ काम किया। जी। मैं आज क्षेत्र में निकला, रोड देखा तो चचरैया और संदनामा के बीच में 3 शीशम के पेड़ एक बबूल सूखा खड़ा था। मैंने देखा, बार बार देखते थे, मैंने आज देखा वो नहीं। मैंने जानकारी ली, जानकारी के बाद में मैंने विभाग को फ़ोन किया। विभाग आया, विभाग ने जड़ बड़ नाप लिया यहाँ से, क्योंकि किसी से पूछताछ नहीं, कोई पता नहीं लगाया और कुछ नहीं कहा। विभाग आया, चला गया, फॉरेस्टर गार्ड आए थे। फॉरेस्टर का नाम क्या है? फॉरेस्टर राहुल। अच्छा, फॉरेस्टर गार्ड राहुल है, पियानी रेंज है। मैंने जानकारी ली तो आ गए भाई साहब पत्रकार, ये भी जानकारी ले रहे हैं। जो जानकारी मुझे मालूम है, जो मेरे सामने है। थाना कौन सा? थाना हरियामा पड़ता, थाना हरियामा पड़ता है। और कौन सन से आप लगे हो? मैं 1999 से इस विभाग में काम कर रहा हूँ, करते करते आज भी है। मैंने क्षेत्र देखा, क्षेत्र में एक घटना होती है, विभाग कुछ नहीं कर रहा है, दाएं बाएं इधर उधर विभाग घूमता है, क्या नहीं करता, क्या नहीं करता है। अच्छा, फॉरेस्टर ने मिलके कटाया इसको? अब फॉरेस्टर और फॉरेस्टर गार्ड हो सकता है, दोनों को हाथ को मिली भगत से कटाया, पैसे ले लिए हों, वन विभाग ने कटवाया, वन विभाग कटवा सकता है, पैसे ले लिए हों या व्यवहार में किसी को दे दी हो 3 पेड़ शीशम के। इतनी तो जानकारी मुझे है नहीं, इन पैसे लिए व्यवहार पे, इतना जरूर है विभाग का हाथ जरूर होगा। वो पेड़ कहाँ पे थे? पेड़ चचरैया और संदनामा के बीच में एक भट्टा है। हाँ। अगर बेटा गोकुल तरफ जाते हैं तो दाहिनी तरफ पड़ता है, पियानी तरफ जाते हैं तो बाईं तरफ पड़ता है। उस भट्टे के जस्ट ऑफिस के सामने ये 3 पेड़ थे और वो पेड़ नहीं है। विभाग आया, विभाग से मैंने कहा इसकी लकड़ी की जानकारी लो, लकड़ी कहाँ है। हाँ। किसने काटी है, मेरे से विभाग बात नहीं की, विभाग चला गया, मैं यहाँ रह गया भाई। मैं भी अब अपने घर जाऊँगा, क्या कर। आपसे कोई बात ही नहीं की? कोई बात नहीं, आप आ गए, आपको जानकारी देता हूँ, आप इसको देखिए। ठीक है। कि हमारे देश में, प्रदेश में, जिला में, क्षेत्र में क्या हो रहा है। वन विभाग की लापरवाही से मिली भगत से कटाया गया? जी, वन विभाग की लापरवाही से ये काम हो रहा है, यहाँ नहीं, क्षेत्र में कई जगह हो रहा है। मैं तो आज यहाँ फंस गया, मैं तो बोल देता हूँ। चलो, ये विभाग की जिम्मेदारी है।